दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्यूचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। एक्चुअली मैं क्लाउड कंप्यूटिंग का फ्यूचर क्या है उसी के बारे में थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू इसमें देने वाला हूं। तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बेसिकली होता क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड से आपको समझ में ही आ रहा होगा, अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूँ तो बादल। तो उसमें क्या होता है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, जो उसका नाम पड़ा है, वो मतलब स्टोरेज है, जो कि वर्चुअल स्टोर होता है, जहाँ पे आप अपने नेटवर्क, सर्वर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, URLs, एवरीथिंग आप सर्वर पे, वहाँ पे क्लाउड पे स्टोर कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई भी फिजिकली सर्वर बनाने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी आपको पर्सनल कंप्यूटर पे वो सर्वर्स इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती है। तो बेसिकली मैं अगर सीधा सा कहूँ तो आप क्लाउड का डेटा आप कहीं पे भी बैठ के एक्सेस कर सकते हो इजीली। अभी क्या होता है, जैसे कंपनीज में सर्वर यूज होते हैं और आपके कंपनी का सर्वर, सपोज यहाँ पे AD का सर्वर है, एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर है, तो आप जब कंपनी का सर्वर वो एक्सेस करोगे तो उसके लिए आपको VPN की रिक्वायरमेंट होगी। और जब क्लाउड स्टोरेज होता है, क्लाउड पे सर्वर होता है, तो आप डायरेक्ट उसको इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो पहली कॉस्ट कटिंग कंपनी के लिए यही हो जाती है कि आपको एक VPN के लिए लाइसेंस की नीड नहीं होती है। इसके थोड़ा सा एडवांटेज आपको बता रहा हूँ पहले। दूसरा जो कॉस्ट कटिंग होता है कंपनी के लिए, वो कंपनीज को उतने रिसोर्स रखने की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल अगर एक बंदा है जो सर्वर हैंडल कर रहा है, उसमें होता क्या है कि पहले तो उसका पूरा इंफ्रा डिज़ाइन करो, मतलब कि उसके लिए एक डेस्कटॉप रेडी करो, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, ये ग्राफिक कार्ड, जितनी भी चीज़ें एक सर्वर के लिए लगती हैं वो सारी मेंटेन करो और उसको रेडी करो। इसके बाद क्या होता है कि उसको मैनेज करने के लिए आपको रिसोर्स चाहिए, एक या दो मिनिमम रिसोर्स दो वहाँ पे होते हैं सर्वर्स को मैनेज करने के लिए। कितना भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो आपको दो रिसोर्स अराउंड रखने ही पड़ेंगे। तो ये कंपनीज के लिए एक थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि इसके क्लाउड कंप्यूटिंग के जस्ट अपोजिट इसके एडवांटेज हैं। अब देखो, आपने सिर्फ वहाँ से स्टोरेज खरीदा या सिर्फ आपको एप्लीकेशन का स्टोरेज चाहिए, आपको अपने डेटाबेस का चाहिए, आपको अपने आपकी फाइल्स का स्टोरेज चाहिए, तो जितना आप डेटा वहाँ से यूज़ कर रहे हो, जितना डेटा आप यूज़ कर रहे हो, सिर्फ उतने डेटा का आपको कॉस्ट देना होता है। तो आपको इसमें मेंटेन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहाँ ऑलरेडी क्लाउड कंप्यूटिंग के बंदे जो होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो आपके डेटा को ऑलरेडी वो मेंटेन करते हैं। और इसमें सिक्योरिटी हाई भी होती है और इसमें डेटा ब्रीच होने का या डेटा लॉस होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। 99.99% आपका डेटा उसमें लॉस नहीं होता है। अभी वही बात करूँ अगर मैं फिजिकली कंप्यूटर की, तो उसमें डेटा लॉस हो गया, हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, कुछ OS करप्ट हो गया, तो उस केस में हम लोग को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, या हार्ड डिस्क आप रिकवर कराओगे उसी का अलग चार्ज है। तो वो सारी चीज़ें एक अजा एडवांटेज और बेनिफिट होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में। अब मैं बात करूँ अगर फीचर्स के बारे में, तो आने वाले 2025 तक, कमिंग ईयर्स में, इसका जो टोटल इंडस्ट्री है वो $6.5 बिलियन होने वाला है। मतलब कि बहुत बड़ा बूम करने वाला है इसका करियर। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना है, तो ये आपके लिए एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है उसमें जाने के लिए। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, तो कमिंग डेज में या कमिंग ईयर्स में इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला, क्योंकि मोस्टली इस कंपनी धीरे धीरे करके वो सारे क्लाउड सर्वर पे शिफ्ट हो रही है, सारी क्लाउड पे उनके सर्वर्स होते जा रहे हैं, उनके नेटवर्क, उनके एप्लीकेशन, उनके URLs, उनके डेटाबेस सारे क्लाउड पे होते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली इसी बात है कि इसका करियर जो है वो बहुत अच्छा बूम होने वाला है। तो अगर आप चाहो तो क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हो। और अगर सैलरी की बात करूँ, तो आप अराउंड इन एंड अराउंड आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के अराउंड आप सैलरी पाओगे, 19-20 या 18-20 का फर्क होगा। तो सैलरी भी इसमें अच्छी खासी होती है और करियर भी अच्छा है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।